सम्राट भाई, सबसे पहले तो आपको पता है एज ह्यूमंस वी आर सोशल एनिमल्स, हमारे इर्द गिर्द और इंसान होते हैं तो एनर्जी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। बात हम आज बचपने पे कर रहे थे, लेकिन आपको देख के एकदम मेरे दिल में ख्याल आया कि फैशन एक वो चीज है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इट इज फैशन, व्हाटएवर यू वेयरिंग, ब्लू आपकी शर्ट, एप्पल वॉच आपके हाथ में, पिंक सॉक्स, व्हाट इज फैशन फॉर यू? बाकी गंदी थी जुराबे। अच्छा, जुराबे वैसे धोते खुद ही हैं आप? नहीं, कभी कभार मदद भी ले लेता हूँ, लेकिन मदद भी ले खुद अपने काम करना अच्छा लगता है। सेल्फ डन इज वेल डन, पहला मैसेज मैंने कहा था सीखने को मिलेगा सरवत भाई से बहुत कुछ, पहला मैसेज उन्होंने मैं दे दिया। आज हम बचपने पे बात कर रहे थे, ठीक है, और बात कर रहे थे कि बचपने में किस तरह बहानेबाजी करते हैं हम, कभी बीमार होने की। आपने भी बचपन में अदाकारी की है बीमार होने की? आई एम श्योर बहुत दफा दफा तो मुझे याद है एक दोस्त ने बोला कि पता नहीं क्या बकवास टोटका था कि पता नहीं प्याज लेके तो आप कहीं छुपा ले थोड़ी देर के लिए तो आपको बुखार हो जाता है। I think I did that. छुपाया आपने? हाँ, but then of course. छुपाया कहाँ था? But I think वो बुखार तो नहीं चढ़ा, लेकिन उसके बाद दो दिन तक बो नहीं गई थी। ये आपने जुराबों से कनेक्ट किया ना इस जवाब को, कमाल है, कमाल है, नहीं, phenomenal. Much of the work that you've done, whether it's Manto, that is based on real events or real people. How do you balance that historical accuracy with artistic expression? अच्छा, अगर technically speaking, मैंने दो जो से biographical काम किए हैं जिनमें वाकई असल लोग जो जिंदा थे जिनकी अपनी कहानी थी, बट अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने इर्द गिर्द की आबो हवा से, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने माहौल से ही आप कहानी लेते हैं, वहीं से किरदार आते हैं, वहीं से मसाइल आते हैं, वहीं आप ढूंढते हैं सोल्यूशन भी। सो कहानी सुनाने वाले के लिए मेरा ख्याल है मवाद इर्द गिर्द ही होता है। सो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है आपको एक्यूरेसी फिल्म में या फिक्शन में छोड़नी भी पड़ती है। सो यस, उसमें सही गलत भी हो जाता है कभी, लाइक बहुत से लोग खफा भी थे मुझसे कि नहीं ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं था। सो बट आई वाज लाइक वेल दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। मंटो ही अगर आपसे मिले तो आपको क्या लगता है वो आपको क्या कहेंगे या आप उनको क्या कहेंगे? ओहो, कि वो बस इतना कह दें कि कोशिश ठीक कर रहे हो। आपको लगता है कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे? आई ख्वाहिश है, मैंने कहा जरूरी नहीं है, ख्वाहिश है। मंटो साहब का तो मतलब कुछ बातें जो उनके हवाले से हैं वो बड़े क्या कहना चाहिए, मानते कम थे लोगों को खुद में, एक मना लेना खुद में एक दुनिया। हाँ, इतना मुझे पता है वो जो है, अगर उस एंगल से आप आ रहे हो तो वहां मुझे पता है, मैंने तो गिट्टे पकड़ लेने थे। वो तो फिर उस्ताद जी वाला जो एक उनके साथ अकीदत है वो मुझे लगता है मैंने कोई तरला मिनता कर लेना था। आपने तरले डाल देने? मैंने डाल देने थे, वो तो मैंने कोई शर्म नहीं उसमें करनी थी। ये हमारे आजकल नौजवानों को भी बड़ा इश्यू चलता है, इनके उस्ताद नहीं होते, इनकी जो मोहब्बतें चलती जानू के साथ, इनको भी पता है, इनको अगर मनाना हो तरले गोटे गिट्टे पकड़ के तो ये क्या कर सकते हैं? ये बड़े उस्ताद हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए मुझे लगता है। आप सजेस्ट करें कि अगर ये मंटो साहब से मिलते हैं रियल लाइफ और इनको उनको मनाना होता कि यार मुझे आपकी लाइफ पे एक मूवी बनानी है और वो ना मान रहे होते, तो क्या तरीका था कोई आप सजेस्ट करें मजेदार जिससे आपको लगता है कि वो मान जाते? जी सर, अक्सर आप कभी बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे आउट ऑफ सिटी तो आपके दीवारों पे बड़े आपको ना बड़ी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जी महबूब कदमों में और दुश्मन सदमों में एक तस्वीर लगेगी, साथ कुछ चीजें गोश्त वगैरह लगेगा तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इतने आसान थे नहीं मंटो साहब, वैसे आप इजी ले रहे हैं। आज अगर मंटो साहब होते आज के हालात देखिए क्या कहते, पर खच्चे उड़ा देते जाहिर बात है उन्होंने, क्योंकि उस जमाने में जो बातें कही हैं वो जब आज आप तकरीबन 65-70 साल बाद पढ़ते हैं आपको लगता है शायद उन्होंने अभी लिखा है ये। कोई भी इंसान जो उसके माइंड में होता है वो हर चीज यहां से यहां फिल्टर होकर आती है, तो अगर कोई अनफिल्टर्ड अगर हम लोग सारे हो जाए तो फिर ये तो तहस नहस हो जाए दुनिया। इसीलिए तो फिर मंटो एक ही थे ना, लगी लिपटी नहीं रखते। वो कहते हैं ना कि अगर ये सोसाइटी जो है उसका कपड़ों के बिना है अगर ये, तो मैं दर्जी नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है इसको कपड़े पहनाना, ये ऐसी ही है तो मैं ऐसी ही नजर आएगी, ऐसी ही बयान कर दूंगा। एब्सोल्युटली, आई थिंक अनफिल्टर्ड होने के
अपने फायदे भी हैं. अक्सर हमें ऐसे लोग चाहिए सोसाइटी में जो हमें एक बड़ा ऑनेस्ट ब्रूटल रिव्यू दे दे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं उसके नुकसान भी हैं. एब्सोल्युट. तो जो हमारे नौजवान है ना, तुसी अनफिल्टर्ड ना होना. इन्हां ने हर दो मिनट बाद उन्हें भी आई लव यू, तेन भी आई लव यू, पढ़ना पुढ़ना इन्हां ने है कोई नहीं, अनफिल्टर हो गए ना सर. जिसका नाम है तोले बगैर बोलो. ठीक है. एक्टिंग या डायरेक्शन? डायरेक्शन. ओके. सरमद या इरफान? इरफान. ऑफकोर्स. फैसल कुरैशी या फहद मुस्तफा? फैसल. लोकल लोकेशंस या बाहर की? लोकल. घर की कुकिंग या बाहर का मुफ्ता? घर की. सादा निकाह या काफी दिन की शादी? सादा. अच्छा, यू थिंक कि इट शुड बी अ प्राइवेट मैटर और बड़ा. ते बाकी पैसा बंदा बचा के कोई और खर्चे कर ले ना. और की खर्चे करने ना, तुसी छुट्टी ते चला जाए, गड्डी बदल ले. ठीक है, ये आप लोग के लिए कह रहे हैं. ठीक है. सिक्स पैक या फैमिली पैक? सिक्स. सिक्स पैक. फिटनेस में है आप? Recently converted. अभी घंटा पहले स्टार्ट? नहीं नहीं, दो कुछ साल हो गए. दो. अच्छा, वेरी गुड. अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या लेट नाइट आइसक्रीम? अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. सिनेमा या नेटफ्लिक्स? सिनेमा. कानों में बाली या होंठों पे लाली? बाली तो मैंने पहन ली है, अब लाली रह गई. शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान खान. सलमान खान. एनी डे. वो आप फैन है सलमान खान? एनी डे. यस. क्यों है फैन आप? स्टार्स के मामले में खासतौर पे जब आप उनको, अगर आप उनकी स्किल या उस पर एनालाइज नहीं कर रहे, फिर कोई वजह नहीं होती, फिर बस वही होता है, अच्छा लगता है कोई. तो उन सब में खान जो कंपटीशन चलता है उसमें आई थिंक सलमान सबसे ज्यादा इंडेयरिंग और लाइकेबल है मुझे लगता है. यस. कितने प्रतिशत? अच्छा, सबा कमर या माहिरा खान? या ये सवाल का जवाब है सरमद खुसट. ओ. बच्चे दो अच्छे या नौ? यार इसमें बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की. हम माशाल्लाह नौ बहन भाई. अरे अंकल के लिए तालियां. हम माशाल्लाह नौ बहन भाई हैं, लेकिन दो ही अच्छे. साड़ी या लहंगा? साड़ी. साड़ी. फिल्म या ड्रामा? फिल्म. खड़ा सच या मीठा झूठ? कौन सा सच? खड़ा सच या मीठा झूठ? खरा. 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 सच है. सच आपके सामने आके हाँ खड़े हो जाते हैं. हो जाते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. आप क्या बोलते हैं? एक सच बोलने में जो है ना जिंदगी सौखी रहती है, बाद में फिर बंदा वही है, कोई मैसेज डिलीट करना पड़ता है, किसी को डिसअपीयरिंग पर डालना पड़ता है. तो सीधी गेम रखनी चाहिए. सीधी गेम रखनी. आपके क्या एलिमेंट्स हैं जिससे आपने काम किया उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएट करते हैं? आपके तजर्बे से रिलेटेड है. टू बी ऑनेस्ट, जब आप शुरू करते हैं कोई काम, आपके लिए पहली सनद होती है आपको पैसे कितने मिल रहे हैं. फिर हमारे काम में एक सनद होती है कि आप मशहूर कितने हो रहे हैं. राइट. सो हम सब उन फेजेस से गुजरते हैं. आप अपने काम के साथ क्या कर रहे हैं उसका जज सबसे पहला आप हैं.